है संसद में छोटी छोटी मासूम बच्चियों पर जब अत्याचार होता है, गैंग रेप होता है, तब तो बोलती है। हाथरस पर बोली, कानपुर में जो घटना हुई उस पर बोली, चिन्मयानंद पर कुछ बोली, कुलदीप सिंह सेंगर पे कुछ बोली, वो ब्रिजभूषण पे कुछ बोली। 2-3 महीने से मणिपुर जल रहा है तो चूं तक नहीं निकला। 80 दिनों के बाद तुम लोग गला फाड़ रहे हो, किसी दिन सामने पड़ गई ना मेरे। तो भैया संसद में इन दिनों विपक्षी पार्टियां दोनों सदनों में मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री से चर्चा कराने के मुद्दे पर अड़ी हुई हैं। बीते गुरुवार को भी जब विपक्ष ने संसद में हंगामा किया तो इस बात पर भाजपा सांसद स्मृति ईरानी खूब भड़की। अब जब स्मृति ईरानी का ये भाषण हुआ तो इस बात पर सपा नेता और गोरखपुर से मेयर का चुनाव लड़ चुकी काजल निषाद भड़क गई। काजल निषाद ने स्मृति ईरानी से सवाल करते हुए कहा कि मणिपुर में महिलाओं पर हमला होता है तब नहीं बोलती, हाथरस के मुद्दे पर क्यों नहीं बोलती। स्मृति ईरानी तू क्या गला फाड़ रही है रे? क्या गला फाड़ रही है संसद में? सीरियल का कोई पिक्चर का ड्रामा चल रहा है? सीरियल चल रहा है क्या कि विलन का रोल किए गला फाड़ रही है? तू बाल विकास एवं महिला मंत्री है ना, तो महिलाओं पर अत्याचार होता है तो तू बोलती है? मुंह फटता है तेरा? छोटी छोटी मासूम बच्चियों पर जब अत्याचार होता है, गैंग रेप होता है, तब तू बोलती है? हाथरस पर बोली, कानपुर में जो घटना हुई उस पर बोली, चिन्मयानंद पर कुछ बोली, कुलदीप सिंह सेंगर पे कुछ बोली, वो ब्रिजभूषण पे कुछ बोली, लखीमपुर खीरी पे कुछ बोली, वो जो कई कई किलोमीटर तक बेटियों को घसीटा था भाजपा का नेता, तब कुछ तू बोली? वो वेश्यावृत्ति करा रहा था भाजपा का बेटा, तब तो कुछ बोली? भाजपा के लोग यौन शोषण में पकड़ा जाते हैं, तब तो कुछ बोलती है? तब तो तेरा गला नहीं फटता, संसद में लाके गला फाड़ रही है? क्या राहुल गांधी से इतना चिढ़ती है? तुझे जिस काम के लिए रखा है वो करना। जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए रखा है तो क्या सीरियल का ड्रामा समझ के चिल्ला रही है इतना? बेटियों पे अत्याचार होता है तो बोलती नहीं है? मणिपुर पे बेटियों को नग्न अवस्था में घुमाया जाता है, तब तो गला नहीं फटता तेरा? तब तो नहीं बोलती है कुछ? शर्म नहीं आती तुझे? तू महिला है? इतना ही नहीं, काजल निषाद ने यहाँ तक कह दिया कि क्या लगता है कि मोदी जी हमेशा प्रधानमंत्री बने रहेंगे? क्या कोई सीरियल पिक्चर का ड्रामा चल रहा है क्या? तुझे क्या लगता है कि नया संसद है या मोदी जी ने संसद बनाया है, मोदी जी प्रधानमंत्री है तो हमेशा वही प्रधानमंत्री बने रहेंगे? तो गला फाड़ रही है इतना, तो तुझे लगता है सच्चाई दब जाएगी? पूरे देश को पता है कि क्या सच है। तुम लोग कितने दूध के धुले हो और कितना बोलते हो महिलाओं पर, ठीक है? चूं तक नहीं निकला। 2-3 महीने से मणिपुर जल रहा है तो चूं तक नहीं निकला। 80 दिनों के बाद तुम लोग गला फाड़ रहे हो और वो भी तुम्हें लगता है कि गला फाड़ कर सच्चाई को दबाया जा सकता है? तो तेरे सीरियल का ड्रामा नहीं चल रहा है मैडम, संसद है ये और जनता के पैसे से संसद चलती है। इतना कीमती समय होता है संसद में, ठीक? ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।